कैनेजारो रिएक्शन क्या होती है? एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद बेस, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा, इस एल्डिहाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म लंबी है। फर्स्ट स्टेप इज द NAR, तो NAR के बाद दूसरा स्टेप होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग का, तीसरा है प्रोटॉन शिफ्टिंग, और हाइड्राइड शिफ्टिंग इज द स्लोएस्ट स्टेप, देयरफॉर दिस वन इज द रेट डिटरमाइन। लेकिन अब हमें करना क्या, अगर फटाफट इस प्रोडक्ट को बनाना है हमें, तो हमें एल्डिहाइड को देखना है। इस एल्डिहाइड में कुछ नहीं करना, आपको इसी का ऑक्सीडेशन दिखा देना है और इसी का रिडक्शन दिखाना है। ऑक्सीडेशन दिखाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। अब दिक्कत कहां पर आती है, जब क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन होगी, जब एक से ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन, तो तब हमें क्या करना है, ये जो एल्डिहाइड है इसका NAR का रेट हमें देखना है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो पहले वाले में कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसका NAR का रेट ज्यादा होगा, इस वजह से इसका सॉल्ट बन जाएगा और दूसरे का अल्कोहल बन जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।